नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर, आता आम्ही आलो आहोत सीतावन मध्ये आणि वाल्मिकी ऋषींच्या आश्रमामध्ये। सीतामाईंच्या वास्तव्याने पुनित झालेली ही जागा, लवकुशांचा जन्म आणि बालपण ही इथेच गेले। आणि सिमेंट बघा। नर्मदे हर। आणि आज किशनगड भाताचं मिलत आहे क्या? शायद हा रास्ता बताया था। ये सीता माता का मंदिर है, दर्शन करो बढ़िया। इनको छोड़ के आगे गया अभी इधर में। आश्रम गया था, वहां से मैं अभी नेमावर जा रहा था। तो क्यों अपने हरी नदी में सही गाड़ी निकल गई? वापिस वही जाना पड़ेगा। हाँ उधर से, क्योंकि अगर नर्मदा परिक्रमा के लिए गेंती माता टेम्पल है और वहां से अपन निकल जाते पामाखेड़ी जो पुना सा डेम आता है वहां पे, लेकिन ये आपके फोर व्हीलर नहीं निकले। नहीं 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 जाएगा, आटापुर तरफ से जाना पड़ेगा। काटापुर नेमावर के लिए तो आपको वापस सिर्फ बिल्कुल दर्शन करो बढ़िया। इधर नीचे भी झरना वगैरह है। अच्छा हाँ। गुफा है लवकुश की। अच्छा वाल्मीकि जी का। हा आहे महर्षी वाल्मिकींचा आश्रम, आद्यकवी महर्षी वाल्मिकी ऋषी ज्यांनी रामायण हे महाकाव्य लिहिले, त्यांची ही तपोभूमी, त्यांचे इथे वास्तव्य होते आणि सीतामाई आणि लवकुश त्यांच्या छत्राखाली इथेच वाढले। पहिले भृगु ऋषी, मग चवन ऋषी आणि मग महर्षी वाल्मिकी ऋषी अशी ठिकाणं आम्हाला पाहायला मिळत आहेत। नर्मदे हर। माँ नर्मदा परिक्रमेमध्ये आम्ही ओंकारेश्वर वरून निघाल्यापासून आत्तापर्यंत अनेक ठिकाणी फिरलो, अनेक ठिकाणं बघितली। त्यामध्ये अनेक भगवान शंकराची देवस्थानं होती, श्रीरामाची देवस्थानं होती, कृष्णाची देवस्थानं बघितली, अनेक देवींचीही स्थळं बघितली, जिथे गायत्री शक्तीपीठ बघितलं आणि आता इथे रामायण काळातील ज्या घटना घडल्या तर तिथे आम्हाला यायला मिळालं। आणि एवढा सगळा आत्तापर्यंतच्या प्रवासात कधीही रिपिटेशन झालेलं नाही आहे। प्रत्येक गोष्ट वेगळी आहे, प्रत्येक वस्तू वेगळी आहे, प्रत्येक ठिकाणचा माहोल वेगळा आहे आणि हे खूप सुंदर आहे। नर्मदा मैयाची कृपा। नर्मदे हर। आणि आता एक्साइटमेंट आहे ती लवकुश यांची गुफा बघायची। या इथून अशा पायऱ्या आहेत उतरायला? 64 पायऱ्या आहेत। 64 पायऱ्या आहेत। समोर आहे वाटतं ती गुफा, दिसतात तुला समोर पायऱ्या? कुठे कुठे गुफा? पुढे 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 बघते आहे माझं लक्ष। समोर 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 बरोबर नाही। हा झूम कर, दाखव। झूमच केलंय। आपल्याला गुफेत जायचंय। चला इथे दिसतंय। हा एक गुंफा आहे खाली, असं हे आहे तो झेंडा जो दिसतोय झेंड्याच्या खाली आहे। चला बघूया। खाली महंत आहेत म्हणाय, बघूया। हे आहे सीतावन, इथे लवकुशचं बालपण गेलं। बघूया काय म्हणतात। कुंड पण आहे तिथे खाली पाण्याचे। हे सीतामाताची तपोभूमी, इथे सीतामाताने लवकुश यांना जन्म दिला होता आणि नर्मदा मैया इथे त्यावेळी आली होती असं महंतांनी सांगितल्याने मला आहे। ते जे महाराज महंत आहेत त्यांचा आश्रम आहे। वरती आहे ही गुफा आहे आता जी बोललो त्याप्रमाणे, परंतु ते म्हणाले की गुफा आता आतापर्यंत भरपूर आपण क्रॉस केलेत।
मध्ये गुफा आहे। खूप मोठा आणि उंच वृक्ष आहे आणि वरती आहे ते मंदिर। सुंदर परिसर। निरंजनी वने निराकारी जटा में से निकली हुई जटा शंकरी, तो इनमें भी दो ही नाम आवे। भोलेनाथ की पुत्री है नहीं? हाँ, भोलेनाथ की पुत्री। इस जगह का क्या बोले, ये वाल्मीकि जी का आश्रम? वाल्मीकि जी की तपोभूमि है। तपोभूमि है, जन्मभूमि। अच्छा, लोग कुछ जन्मभूमि यही है जहाँ खड़े आप यहाँ खेलते थे उबाल गोपाल। अच्छा, ये तो भयानक जंगल था है तो। हाँ हाँ हाँ, संत का निवास सबसे पहले ही है। अच्छा, संत के पास ही सीता माँ को जंगल में छोड़ गए थे लक्ष्मण जी। हाँ, वो उनको कहीं रोने की आवाज ऐसी कहीं आई तो वो तो जीव संत हैं वो तो। हाँ, तो गए वो तो उन्होंने फिर एकदम पेका लिया। हाँ, अरे बेटा सीता चल तो उनने सब बात बोले मेरे को छोड़ गए लक्ष्मण जी ने ऐसा जो बात है। तो फिर उनके पास में सीता माँ। अच्छा, एक बार क्या हुआ, जब लव का जन्म हुआ तो गुरु जी पूजा कर रहे थे। अब वो सीता माँ जल लेने गई, इधर जल लाती थी, ये नदी नहीं थी। तो बद्री जी ने कुछ दूर से देखा सीता माँ को, फट अपने उसको चिपका लिया कि मेरा बालक तो मैं छोड़ के आई ये इनने। बद्री ने इतना भी भरोसा नहीं, उन्हें उपट देने से सीने से लगा जा रहे, उनको ममता जागी तो वो बेड़ा वहीं लग गया। और वो सीता माँ बोल रही थी कि वो लव सोरिया है, मैं पानी भरने जा रही हूँ। तो वो सुन ली थी उनने, यानी सुनी क्या मालूम, ने वो उधर से पानी भरने गई तो वो बच्चा नहीं, वो भयभीत हो गए गुरुजी। पूजा से उठे थे कि बालक कहाँ गया, सीता बोल के गई थी मेरे से, खराब देगा मेरे को। जानते थे कि ऐसी ही लोग की माँ है, संत जानते थे सीता माँ को। हाँ बराबर है। फटाक देने से चिनका ढूंढ के लाए कुश का। हाँ, हाँ जैसे कुश बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो झोली में रखा, कमंडल से जल लिया। हाँ, और जो अभी मंचित किया जल को, जो सीता मारा तो उसका नाम हुआ कुश, ये लव कुश। अच्छा, वो प्रकट हुए कुछ। ये तो यहाँ सीता माँ का निवास है या लव कुश की जन्मभूमि ये? हाँ जी। अच्छा, और ये पानी का ये तो नर्मदा माँ डिलीवरी समय में थी, तो नर्मदा माँ दही के रूप में ही थी। भयानक जंगल था। ले जय अपने पास ही रख लो उसको, किल्ली बुलवा के ना। नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। हा परिसर खूप सुंदर आहे, राहायची खूप इच्छा होती पण वेळ नाही आहे तेवढा, नाहीतर इथे जी शांती आहे ती खरंच खूपच म्हणजे अवर्णनीय आहे। वाल्मिकी ऋषींची तपोवली तपोभूमी सॉरी। वानरसेना पण खूप आहे इकडे। पायऱ्या खूप उंच आहेत, मोठ्या मोठ्या आहेत स्टेप्स। बिंदु सिंधु तरंग भंग रंजितम्।
हे बघा कसलं आहे पाणी. लवकुश यांची जन्मस्थळी अच्छा वो उदयपुर उदयपुर आगे का और ये बीच में पीछे एक लगा वो अलग है क्या? नहीं उदयनगर इधर है 10 किलोमीटर. हाँ और वो आगे का क्या है? वो पुंजापुरा. अच्छा और पुंजापुरा से अपना नहीं मुझे 24 किलोमीटर उदयपुरा दिखा रहा है. तर हे आहे निसर्गरम्य अतिशय सुंदर सीतावन. नर्मदे हर नर्मदे हर.